नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। नितिन कामत जो कि सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं ज़ेरोधा के, उन्होंने एक ट्वीट किया और जिस ट्वीट के बाद में स्पेशली जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनके पूरे के पूरे महकमे में खलबली मच गई कि इंट्राडे अब बंद होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि इंट्राडे बंद होने वाला है या इंट्राडे की मार्जिन्स ख़त्म होने वाली हैं, ऐसा नहीं है। इस पूरे के पूरे ट्वीट का क्या मतलब है, इसको बहुत अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं लाइक मी, जो ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं लाइक मी, जो ऑप्शन राइटर हैं लाइक मी, तो उनके लिए सारी चीजें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आखिरकार सेबी के डायरेक्शन के हिसाब से होने क्या वाला है। तो पहले तो समझते हैं क्या ट्वीट है। ट्वीट में कहा गया है सेबी हैज़ जस्ट पुट अ क्लैरिफिकेशन ऑन द इशू अराउंड द इंट्राडे लीवरेजेस ऑफर्ड बाय ऑल ब्रोकरेज फर्म्स इन इंडिया। तो बेसिकली क्लैरिफिकेशन है कि क्या ब्रोकरेज फर्म्स कितना इंट्राडे लीवरेज ले सकते हैं, उसको समझाने के लिए ये एक क्लैरिफिकेशन आया। और ये सर्कुलर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। तो उसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए क्या कहा गया है। कहा यह गया है कि 1 अगस्त 2020 से, पहली चीज़ तो ये समझ लो कि जो डायरेक्शन आया है ये 1 अगस्त 2021 से एप्लीकेबल होगा। तो अभी कंप्लीट 1 ईयर है, 1 साल है पूरा इस ऑर्डर को, इस डायरेक्शन को अप्लाई करने के लिए। तो 1 साल है अभी पूरा का पूरा, जिसमें कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको फेज़ वाइज अप्लाई किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा उसको भी समझेंगे। तो भाई कहा क्या गया है, इक्विटी में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ब्रोकर्स को कहा गया है कि वो कंप्लीट VAR प्लस ELM मार्जिन लें। अब पहले तो ये समझ में आना चाहिए VAR और ELM कौन सी बला का नाम है। तो VAR और ELM क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो VAR का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एट रिस्क। अब ये क्या है भाई, ये होता है जैसे कोई भी स्टॉक आप लेते हैं उसमें कितना ज़्यादा इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप DHFL ले रहे हैं वो ज़्यादा रिस्की है, अगर आप ITC ले रहे हैं तो वो कम रिस्की है। तो जो भी ज़्यादा रिस्की ज़्यादा होता है उसका VAR मार्जिन VAR ज़्यादा होता है, आप ये समझ लो। और वो निकाला जाता है, ऑटोमेटेड होता है, एक्सचेंजेस के पास स्टैटिस्टिक्स होती है उससे निकाला जाता है। दूसरी चीज़ होती है ELM जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ये दोनों के दोनों मार्जिन ही है। तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या है, ये भी क्या होता है, दिस कलेक्टेड और एडजस्टेड फ्रॉम द टोटल लिक्विड एसेट ऑफ द मेंबर ऑन अ रियल टाइम बेसिस मार्क टू मार्केट मार्जिन। तो भाई इसके सिंपल सा मतलब समझो आप कि VAR प्लस ELM एक इंपॉर्टेंट मार्जिन होता है जो कि आपको अपने अकाउंट में रखना होता है। वो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि बाई चांस कोई एकदम से फ्लक्चुएशन आता है स्टॉक में तो उसमें कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए जिससे कि रिस्क ना हो ब्रोकर को, तो उसको बोलते हैं मार्जिन। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट होते हैं जितनी मार्जिन आपको मैंडेटरी मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो। अब कहा गया है उसको समझ लेते हैं। तो भाई कहा यह गया है कि 1 अगस्त 2020 से ब्रोकर्स को डायरेक्शन दिया गया है कि वो कलेक्ट करेंगे VAR प्लस ELM मार्जिन फॉर ट्रेडिंग स्टॉक सिमिलर टू स्पैन प्लस एक्सपोजर फॉर F&O। अभी क्या होता है, जब आप F&O में ट्रेड करते हैं लाइक अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपसे पूरा का पूरा प्रीमियम लिया जाता है, करीब 60-70 हज़ार रुपये लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा आपसे स्पैन प्लस एक्सपोजर लिया जा रहा है। बेसिकली पूरा का पूरा जो उसमें रिस्क होता है उसका आपको पूरा का पूरा भुगतान करना पड़ता है, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो वो होता है। उसी प्रकार से आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपको उतना VAR प्लस ELM मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं। रिलायंस के अगर आप 1 लाख रुपए का ट्रेड ले रहे हो और उसका VAR प्लस ELM 22% है। अब एक चीज़ तो ये समझ लो कि हर एक स्टॉक का अपना अलग VAR प्लस ELM होता है नंबर वन, और हर एक स्टॉक का हर दिन VAR प्लस ELM चेंज होता है, ऑलमोस्ट वेरिएबल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो रिलायंस के साथ है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ नहीं होगा, और जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ में है वो ITC के साथ नहीं होगा। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। तो सपोज एग्जांपल के तौर पे रिलायंस का अगर VAR प्लस ELM 22% है और आप 1 लाख रुपए का ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 लाख का 22% मतलब 22 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में
होने चाहिए तभी आप इतना बड़ा ट्रेड ले पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितनी मार्जिन मिल रही है, आपको 4.5 गुना मार्जिन मिल रही है, बस यही है और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा और कुछ भी इसका मतलब नहीं है। अब इसमें जो चीज़ लोगों को डर लग रहा है, डर सता रहा है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी तक क्या होता था, अभी तक आपको मालूम है लोग 100-100 गुना 100-100 टाइम्स मार्जिन दे रहे थे। मतलब अगर आपको 1,00,000 रुपए का रिलायंस ट्रेड करना है तो आपके पास सिर्फ अगर 1,000 रुपए हैं तो भी आप 1,00,000 रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। आप बताओ ये जेन्युइन है क्या, ये सही चीज़ है? बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तो इसको कर्ब करने के लिए ये डायरेक्शन लाया गया है। एक इसे सेफ्टी भी है इन्वेस्टर्स के लिए भी, सेफ्टी है ट्रेडर्स के लिए भी, और सेफ्टी है ब्रोकरेज फर्म के लिए भी, सबके लिए ये जो व्यवस्था की गई है सेफ़ है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको उन्हीं रेप्यूटेड ब्रोकर्स को रिकमेंड करता हूँ, लाइक अपस्टॉक, लाइक ज़ेरोधा। यस, माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज ज़ेरोधा एंड ऑफ कोर्स एलिस ब्लू। तो ये तीन ब्रोकर्स हैं जिसमें कि ज़ेरोधा इज माय यू नो आई पर्सनली यूज़ इट एंड एलिस ब्लू आई पर्सनली यूज़ इट। तो मैं चाहता हूँ कि आप रेप्यूटेड ब्रोकर्स के साथ में ही ट्रेड करें, उनके साथ नहीं जो 100-100 गुना आपको मार्जिन दे रहे हैं। अब जो ये डायरेक्शंस हैं उनको अगर फोर्स यू नो अगर इनफोर्स नहीं करेगा तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि दिसंबर से जो भी लोग यू नो दिसंबर 2020 से जो लोग अपना इस डायरेक्शन को मेंटेन नहीं करेंगे, इंश्योर नहीं करेंगे, तो उनको इतना इतना पेनल्टी लगेगा। दिसंबर 2020 से फेब के बीच में 25% पेनल्टी इफ़ मार्जिन इज़ यूज लेस दैन 25%, उसके बाद अगर लेस दैन 50% करेंगे तो पेनल्टी पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ये हमसे लेना देना नहीं है। हमको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि VAR प्लस ELM जो अमाउंट होगा, जितना परसेंट अमाउंट होगा वो हमें अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। अब उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो अब इस सिमिलर केस एफएनडो के साथ में होता था। एफएनडो में स्पैन प्लस एक्सपोजर मार्जिन हम लोग को पहले जमा करना पड़ता था, तो उसमें कोई खास चेंज है नहीं। अब अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो ऑफकोर्स इस लिंक पे आप यू नो क्लिक कर सकते हैं, सो यू कैन एग्जैक्टली चेक, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो यू कैन गो एंड विजिट इट। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। नंबर टू, ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी मार्जिन नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। बट इसका मतलब ये है कि जितना भी आपको मार्जिन मिलना था वो मोर और लेस सभी ब्रोकरेज हाउसेज में ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा जब आप उन स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जो कि कम रिस्की हैं, उनमें आपको ज़्यादा, क्योंकि उसमें VAR प्लस ELM कम होगा। अगर आप किसी रिस्की स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं जो कि इतना भयंकर ऐसे ऐसे मूव करता है डेली, इतनी वॉलिटिलिटी ज़्यादा है, तो उसमें VAR प्लस ELM ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की है। तो अगर कम रिस्की स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कम मार्जिन लगेगा, कम पैसे लगने में आप ज़्यादा अमाउंट ट्रेड कर सकेंगे। तो मार्जिन आपको सेम मिलेगी, मार्जिन आपको उतनी ही देनी पड़ेगी जितना कि उसका VAR प्लस ELM है। आपको उन ब्रोकर से बचना होगा जो 100-100 टाइम्स आपको मार्जिन दे रहे थे। तो अगर आपको यू नो इफ़ यू वांट टू ट्रेड विद गुड ब्रोकर्स, द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, लाइक ज़ेरोधा, लाइक एलिस ब्लू एंड लाइक अपस्टॉक्स, द लिंक्स आर देयर, यू कैन ओपन द अकाउंट एंड ट्रेड आराम से, बिल्कुल यू नो विदाउट एनी टेंशन। अब इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन आपके दिमाग में जो चल रहे होंगे वो मैं अभी आपको फिर से आंसर कर देता हूँ कि एक तो कि आपको अभी भी 4.5 टाइम्स ही ज़ेरोधा में मार्जिन मिल रहा था। तो यस, ज़ेरोधा में आपको 4.5 ही टाइम्स ही मार्जिन मिल रहा था क्योंकि वो अभी भी VAR प्लस ELM के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। तो आपको जितना मार्जिन ज़ेरोधा अभी दे रहा था उतना मार्जिन वो बाद में भी देता रहेगा। सो ज़ेरोधा के जो यूज़र्स हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला है दे Definitely need to open the account. तो नीचे लिंक में आप क्लिक करके यू कैन ओपन द अकाउंट इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, और इससे पहले कि आप यू नो यू गेट वरीड और कौन से ब्रोकर में खोले, तो मेरे हिसाब से ज़ेरोधा अभी भी VAR प्लस ELM के कॉन्सेप्ट पे 4.5 टाइम्स के अप्रॉक्सीमेटली वो आपको मार्जिन देते हैं, और वही उनका कॉन्टिन्यू रहेगा अगले साल भी। तो देर विल बी नो चेंज एज फार एज द पॉलिसीज इन ज़ेरोधा आर कंसर्न, बट येस जो बाकी 100-100 गुना दे रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इंट्राडे लीवरेज इजेंट कंप्लीटली गॉन, ये बिल्कुल भी पूरी तरह से गया नहीं है।
बट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिट दैट वी विल ऑलवेज हैव टू पे फुल VAR प्लस ELM. तो VAR प्लस ELM देना पड़ेगा, जो कि अभी भी आप देते थे अगर आप ज़ेरोधा में ट्रेड करते हैं, ज़ेरोधा से ट्रेड करते हैं. बाकी जो और जो 100-100 गुना दे रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, उनके लिए खटिया खड़ी होने वाली बात है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स. आई होप आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन. एंड ऑफकोर्स ये सारा का सारा जो मैं डेटा पढ़ रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन ओपन द लिंक एंड रीड इट एट योर ओन टाइम. बाय बाय फॉर नाउ.